हेलो दोस्तों, आज मेरे एक न्यू वीडियो में आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों PGCIL में एक न्यू वैकेंसी आया है दोस्तों 2024 के लेके, तो इसमें हम ए टू जेड बात करेंगे। टोटल सीट कितने हैं, कौन कौन से एलिजिबल है, इसमें हम बात करेंगे। इसका लास्ट डेट क्या है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस भी हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपका ब्रांच रहना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर देखोगे पावर ग्रेड का है दोस्तों ये वैकेंसी है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पर थ्रू द गेट स्कोर। आप दोस्तों देख सकते हो अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया दोस्तों तभी दोस्तों आप एलिजिबल, यानी गेट के थ्रू दोस्तों आपका इसमें बहाली होगा। आप देख सकते हो इसका जो लास्ट डेटा अभी हम बात करने वाले हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, सिविल या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में दोस्तों इसमें बहाली होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर और भी स्कोर करके नीचे के जाओगे, जैसे नीचे के जाओगे तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर ले रहे हैं। आप यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट हुआ है, यहाँ पर ये सब पोस्ट आप कराएगा। इसमें आप देखोगे यहाँ पर कितने सीट है टोटल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल पोस्ट में जो है टोटल है आपको देखोगे 293 प्लस आपका 38 सीट है। आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितना सीट है, यहाँ पर देखोगे पावर ग्रेड के क्यूटिल के भी दोस्तों है यहाँ पर देखोगे। इसी प्रकार देखोगे सिविल का, सिविल में भी दोस्तों वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसीज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज। आप देख सकते हो टोटल जो सीट है, सबसे ज़्यादा जो सीट है आपका देखोगे इलेक्ट्रिकल में सीट है, जो कि 293 प्लस 38 आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीट देखने के लिए। फिर इसके बाद आप देखोगे कंप्यूटर साइंस में भी आपका यहाँ पर टोटल जो सीट है 31 प्लस यहाँ पर 6 सीट है। आप देख सकते हो टोटल। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप यहाँ देखोगे PWD यहाँ पर रिजर्वेशन है यहाँ पर देखोगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्कोर के नीचे जाओगे, जैसे नीचे को जाओगे तो आप यहाँ देखोगे इसमें वही बच्चे एलिजिबल है जो गेट के एग्ज़ाम दिए हैं। 2024 के गेट के बेस पे ही आपका इसमें बहाली होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर के नीचे जाओगे, जैसे नीचे के जाओगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आप यहाँ देखोगे कैंडिडेट यहाँ पर शुड हैव द क्वालिफाइड इन द गेट 2024। आप देख सकते हो फिर इन द पर्सनल इंटरव्यू भी होगा आपका। आप देख सकते हो यहाँ पर देखोगे प्लीज नोट ओनली द गेट, यहाँ पर 2024 यहाँ पर देखोगे स्कोर कार्ड, यहाँ पर आपका होगा नॉर्मलाइज, यहाँ पर देखोगे मार्क्स आउट ऑफ द 100 होगा, यहाँ पर गेट का 2023 का आपका गेट स्कोर जो है उसका एलिजिबल नहीं है। आप देख सकते हो अगर आपने 2023 में एग्जाम दिया था गेट का तो उसका एलिजिबल नहीं है। आप देख सकते हो 2024 में होगा तभी दोस्तों आप एलिजिबल हो। यहाँ पर देखोगे इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, एक यहाँ पर देखोगे शॉर्ट लिस्ट होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। आप देख सकते हो गेट के यहाँ पर गेट के स्कोर बेस पर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा एक पर्सनल। आप देख सकते हो इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अब देखोगे यहाँ पर स्कोर नीचे के जाओगे, जैसे नीचे के जाओगे अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे हाउ टू द अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 12 जून से दोस्तों इसका स्टार्ट हो गया है, 12 जून तक आप 12 जून से आपका स्टार्ट हो गया है, 12 जून से आप अप्लाई करोगे। इसका जो लास्ट डेट आप देखोगे 4 जुलाई तक आप फिल कर पाओगे। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ विथ डिटेल्स यहाँ पर देयर द गेट 2024। आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर और भी स्कोर करके नीचे जाओगे, जैसे नीचे के जाओगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप देखोगे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो आपको 500 रुपये लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर नो रिफंडेबल यहाँ पर अप्लीकेशन, यहाँ पर देखोगे फी जो है 500 रुपये आपको लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर द कैंडिडेट इज द नोट, देखोगे अगर आप SC ST कैटेगरी के हो या PWD कैटेगरी के हो चाहे एक सर्विस मैन हो तो आपको 1 रुपये नहीं लगेगा, अदरवाइज आप किसी भी कैटेगरी को हो तो आपको यहाँ पर लगेगा 500 रुपये। आप देख सकते हो यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो लिखा एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी यहाँ पर कंप्लीट ओनली द सबमिशन, यहाँ पर अप्लीकेशन फी आप देख सकते हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको कितने साइज़ आपको चाहिए PDF का, जो आप GPG या फोटो अपलोड करोगे तो इसका साइज दिया गया यहाँ पर 50 यहाँ पर KB दिया गया है, और भी स्कोर के देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपका गेट के यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल गेट स्कोर कार्ड आपको लेके जाना होगा। आप देख सकते हो तभी दोस्तों आपको इंटरव्यू में आपको एलिजिबल होगा, आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और भी इसको अगर देखोगे तो यही आपका है कि 500 रुपये लगेगा इसमें। आप देख सकते हो इसका जो लास्ट डेट है हमने पहले देखा कि 4 जुलाई तक आप फिल कर पाओगे। तो आपने अगर गेट का एग्ज़ाम दिया है तो दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर ले, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें सीट भी बहुत है, इसका सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, इसमें जो आपको मिलता है सुविधा बहुत ही ज़्यादा मिलता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो तो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।